कहाँ पे, कौन से गांव में? तो आज आप लोग पढ़ने क्यों नहीं है, लौट के क्यों आ रहे हो, कहाँ से लौट के आ रहे हो? पुल से लौट के आ रहे। क्या दिक्कत है पुल में? पुल पानी भर गया है। आप कितने दिन से नहीं जा पा रहे स्कूल? 7 दिन से। क्या नाम है आपका? विनोद। ये कहाँ से आप आ रहे हैं लौट के? अरे ककवाई से जा रहे थे, पुल पे पानी भरा है, पानी की वजह हम लौट गए। ये कब से पानी भरा है? 7-8 दिन हो गए। किसका पुल है ये? ये रेलवे का है। क्या नाम है आपका? देवेंद्र कुमार। अच्छा, ये आपके गांव के लिए जो मार्ग आया है उस पर एक रेलवे अंडरपास पुल बना हुआ है जिसमें पानी भरा हुआ है, क्या समस्याएं आ रही हैं आपको उससे? इससे तो बहुत बड़ी समस्याएं आ रही हैं, बच्चे स्कूल नहीं जा पा रहे, आवागमन बिल्कुल बंद है। एक गांव का ट्रैक्टर वहां से निकला सो बिल्कुल जल डूब हो गया, और कल मैं निकल के आए इतना पानी था कि मेरी ठोड़ी तक पानी लगा, क्योंकि मेरी लंबाई बहुत है। हम इतने लोग परेशान हैं निकलने से, बहुत ज़्यादा दिक्कत है हम लोगों के सामने। हमको एक लोगों ने पैर फिसला तो पकड़ा हमारा हाथ, तब निकल पाए, इतनी बड़ी समस्या है। वहाँ से निकलने में कोई रास्ता है ही नहीं, इधर उधर लोगों ने धान लगा दिया है, और पुल के पास इतना पानी है कि छत तक पानी लग गया, पुल की ऊंचाई है वहाँ तक पानी पहुँच चुका है। मैं सर नंगला जंगी से एसडीएम साहब से प्रार्थना पत्र लेने आए थे, एसडीएम साहब ने हमारी बात की नहीं सुनी, और जब उन्होंने समस्या पूरी बताई तो समस्या के लिए वो नाराज़ हो गए, हमारे साथ गलत व्यवहार किया। और सर एक बात बताएं, जब हम कोई बात है तो उन्हीं से बोलने आएगा, उन्होंने मेरे साथ कोई मतलब अच्छा व्यवहार नहीं किया। और पानी की व्यवस्था सर, पानी के लिए आए थे, पानी की भी मना कर दिए, बोले ये बरसात के बाद हो पाएगा। लेकिन सर सबसे बड़ी बात यह है कि उन्होंने मेरे साथ अच्छा व्यवहार नहीं किया, गाली गलौज नहीं की। लेकिन सर इसी बात की मेरे पूरे गांव में नाराज़गी है, मेरे पूरे ग्रामवासी भी।